जय हिंद सबको, मेरा नमस्कार। एक बार फिर अब मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ बेहतर ढंग से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना, इसको हिंदी में कहते हैं हम उच्चतम न्यायालय। लिख लेंगे आप उच्चतम न्यायालय, न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। इसको कभी कभी लिखा रहता है एससी, ध्यान रखेंगे, कभी कभी एससी भी लिखा रहता है, ठीक है, एससी कभी कभी लिखा रहता है। तो इसकी हम चर्चा करें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था, अगर मैं पीछे की ओर जाऊं एक एक बातें, कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था। कितने में हुआ था, लिख लेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन, ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। कब हुआ था भैया, सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था। और उस समय कितने जज थे, उस समय जजों की संख्या कितनी थी, केवल 7 जज थे। उस समय जजों की संख्या 1950 में जजों की संख्या मात्र 7 थी। कितनी थी, 7 थी। कितने थे आपके जज, 7 जज थे। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और उस समय जजों की संख्या कितनी थी, तो उस समय जजों की संख्या केवल कितनी थी, 7 थी। आज के डेट में जजों की संख्या कितनी है, आज के डेट में बालकों जजों की संख्या है 33 आपके जज हैं, और प्लस एक आपके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं CJI। तो मतलब कितने हो गए, 34 आज के डेट में 34 जज मौजूद हैं। 34 जज आज के डेट में हमारे कहां पर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। कहां पर बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में गठन की जजों की गठन की चर्चा की गई है। आर्टिकल कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। जो आर्टिकल होगा हमारा, आर्टिकल गठन, जजों की गठन की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जजों की गठन की संख्या कितनी है, ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कितनी, 124 आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 124 में जजों की गठन की संख्या दिया गया है। कि मतलब आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है जी, कितने जज थे 7 जज थे, गठन किया गया है। अगर अब भी आपको क्या दिया जाएगा, अभी अगर आपको दे दिया गया कि आर्टिकल इसकी अगर बात कर दिया, अगर इसमें अगर आर्टिकल पूछ लिया, तो इसमें भी आपको क्या दे दिया जाएगा, 124 में ये भी दिया गया है। क्या दिया गया है आज के डेट में, 124 में आर्टिकल, मतलब कि 34 जज आज के डेट में भी मौजूद हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे, कितनी है, 34 जज आज के डेट में मौजूद हैं, मतलब कि 33 आपके जज होंगे, क्या होंगे, जज होंगे, जो कि आपके, जिसको आप कहते हैं न्यायाधीश, और एक आपका होगा, जो होंगे एक होंगे, उनका नाम होगा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। क्या है भैया, मुख्य न्यायाधीश। ये तो होते हैं, तो सबको मिला करके कितने हो गए हैं आज के डेट में, 34 जज हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि जज, अगर हमको जज अगर बनना है, सुप्रीम कोर्ट की जज अगर बनना है, जो हमको जज अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर, अगर हमको जज बनना है तो हम क्या करें, क्या ना करें, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, जज बनने बनने के लिए, बनने के लिए लिखेंगे, पहला क्या होना चाहिए,
पहला होना चाहिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बालक, हाई कोर्ट में या तो आप 10 साल, हाई कोर्ट में 10 साल वकील होने चाहिए, 10 साल आप क्या होने चाहिए, वकील होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 साल वकील होना चाहिए, वकील होने चाहिए, होने चाहिए। कितने साल भैया, 10 साल आप वकील होना चाहिए, या तो 5 साल हाई कोर्ट के 5 साल आप क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। या लगा कर कर लेंगे क्या होना चाहिए, या लगा कर कर लेंगे क्या होना चाहिए, 5 साल आपको वकील जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, जज होंगे, जज होना चाहिए, जज होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि देखिए, ध्यान समझिए, अगर आपको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बनना है, अगर आप इच्छुक हैं जज बनने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जाइए हाई कोर्ट, आप अपने जिस स्टेट में हैं आप अपने स्टेट हाई कोर्ट में जाइए, जिस जगह पे हैं आप अपने हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में आप जा करके वहाँ पर आपका क्या होनी चाहिए, पहली बात होनी चाहिए कि 10 साल आप वकालत करें, पहले वकीली करें, 10 साल आपके पास वकीली की डिग्री होनी चाहिए कि भैया 10 साल आप पहले वकालत कर लें, और या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल क्या होना चाहिए, 5 साल आपको जज होना चाहिए, 5 साल आप या तो जज रहें, 5 साल यहां पर लिख लेंगे, 5 जज नहीं है, 5 साल आप यहां पर क्या होना चाहिए, वकील होना चाहिए। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बालक, वो है कि राष्ट्रपति की नज़रों में अच्छे कानून के जानकार भी होना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति की नज़रों में संविधान का अच्छा जानकार होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़रों में आपके संविधान का अच्छा जानकार होना चाहिए, या कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। ये हाई कोर्ट है बालक, हाई कोर्ट इसको लिख लेना, हाई कोर्ट है ये, हाई कोर्ट की बात की गई है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही प्रोसेस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाई कोर्ट में जाने के लिए अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की यही चीज़ें देखना पड़ता है, यही चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर जो हाई कोर्ट दे दिया गया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाए, हाई कोर्ट दे दिया गया तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे दिया जाएगा, और वही प्रोसेस बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए, 10 साल वकील होना चाहिए, या तो 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और राष्ट्रपति की नज़रों में एक अच्छा जानकार भी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। मेरी बात इतनी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करें इसमें अगर कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, आखिरकार जब ये इनका क्या करते हैं, चयन जब कर किया जाता है, इनकी क्या की जाती है, बालकों, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जो हमारे न्यायाधीश बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति क्या करते हैं, जजों की नियुक्ति करते हैं, क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन दूसरा हो जाएगा, निर्वाचन मत लिख लेना, नियुक्ति करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। एक बात और यहाँ पर दिमाग में आ रही होगी कि सर जब नियुक्ति करेंगे तो किसकी सलाह पर करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। जब देखिए, ध्यान से समझना, जब राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, जजों की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करेंगे तो किनकी सलाह लेते हैं, ध्यान समझिए। तो ये क्या करते हैं, जब जजों की नियुक्ति होगी तब ये लेते हैं सलाह किसकी, तब ये सलाह लेते हैं मुख्य न्यायाधीश CJI की, सी जे
आई की, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे। बालक ध्यान रखना यहां पर, और जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रहा हूं, जब जजों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट की, जब राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे तब वो सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे। और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ध्यान रखना मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश भाई, जब यहां पर ऐसे थोड़ी नई नियुक्ति कर दी जाती कि जो मन हो, जिसका जो मन हो वो आ जाए, है ना, जो मन हो वो आकर के न्याय करना शुरू कर दे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति जब जजों की नियुक्ति करेंगे तो सीजेआई की सलाह लेंगे, उसकी सलाह पर नियुक्ति करते हैं जजों की। और जब सीजेआई की नियुक्ति होती है, जब सीजेआई की नियुक्ति होती है मतलब कि मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, सीजेआई की नियुक्ति जब होती है तो इसमें होता है बालक, जब ये इस सीजेआई की नियुक्ति होती है तो ये इसमें बैठाई जाती है आपकी, एक आती है कोलोजियम की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं सीजेआई की किसकी, कोलोजियम। बालक कोलोजियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोलोजियम क्या होता है पांच जजों की पीठ होती है। जजों की पीठ के मतलब कह सकते हैं कि पांच जो हमारे जज होते हैं, पांच बूढ़े हो गए या सीनियर जज कह लीजिए आप, पांच सीनियर जजों की पीठ बैठती है, उसी को हम कहते हैं कोलोजियम। पांच सीनियर जजों की पीठ कितनी पीठ, पांच सीनियर जजों की पीठ जो होती है उसको हम कहते हैं कोलोजियम। तो कोलोजियम जब सीजेआई की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो कोलोजियम की सलाह पर, कोलोजियम की राय मशविरा पर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और जब जजों की नियुक्ति होती है तो सीजेआई के सलाह पर मतलब मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर हो जाती है। कोलोजियम समझ में आ गया, पांच सीनियर जज मतलब कि पांच सीनियर जज की पीठ बैठती है। पीठ जो होती है बालक, जो बेंच लगी रहती है उसी को आप कभी सुने होंगे आप पेपर में कि 11 जजों की पीठ ये कानून बनाई, 5 जजों की पीठ ये कानून बनाई, 6 जजों की पीठ ये कानून बनाई, 7 जजों की पीठों ने ये चीज़ ये निर्णय लिया, तो ये चीज़ होता है आपकी। तो 5 जजों की पीठ जो होती है उसी को कहते हैं कोलोजियम। तो कोलोजियम पर क्या करते हैं, सीजेआई की नियुक्ति होती है, क्या होती है, नियुक्ति होती है। इतनी बात ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कितना होता है भैया, ऐसे में तो ये 65 वर्ष तक होते हैं, लेकिन इनका जो मेन वो होता है, जैसे कि कोई जज बन गया तो वो कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक इनका कार्यकाल होता है, कि जैसे जो पद होगा उस पर ये 6 साल तक बने रहेंगे। और जब ये रिटायर्ड होने की कगार होती है, जो रिटायर्ड इनको किया जाता है, तो वो 65 वर्ष पर कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 65 साल में कर दिया जाता है। अब देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने साल में कर दिया जाता है, 65 साल में कर दिया जाता है। इतनी बात आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब देखिए जब बात आती है इनको हटाने की, अब आ गई, हमने जान लिया कि इनको कैसे लाया जाता है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे ये बैठते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनको हटाया कैसे जाएगा, इनको हटाने का क्या प्रोसेस होता है। तो इनको हटाने के लिए लाया जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तब इनको हम हटा सकते हैं। तो क्या होता है कि महाभियोग भाई बहुत बड़ा पद है। महाभियोग तब लाया जाता है जब कोई बड़े पद से किसी को हटाना हो, तब ये महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया
अपनानी पड़ती है, पढ़ती है, लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में इसको। महाभियोग मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे महाभियोग नहीं जानते हैं मैंने उन महाभियोग एक क्लास लिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके मेरी लिस्ट होगी नीचे आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी महाभियोग, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए वहाँ पर महाभियोग मिल जाएगा। तो महाभियोग आप जान लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने राष्ट्रपति को दे करके बताया है। तो महाभियोग क्या लगाया जाता है, किसी बड़े पद से किसी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हम अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो ये सारी बातें हम किस में कर रहे हैं, आर्टिकल 20, 124 में कर चुके हैं। इतनी बातें आपको आर्टिकल 124 वो होता बताता है, क्या बताता है, इतनी बातें आपको आर्टिकल 124 बताता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी को मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना और उसके बाद उसको त्यागपत्र देना है, क्या देना है, त्यागपत्र देना है। तो भैया त्यागपत्र वो क्या करता है कि त्यागपत्र किसको देगा, ले जा करके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज यदि अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो वो ले जा करके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। किसको देगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एक बार CHSL में पूछा गया था कि राष्ट्र जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, किसको देगा त्यागपत्र। तो कुछ बच्चे उसमें लगा के चले आते हैं कि वो ले जा करके मुख्य न्यायाधीश को CJI को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि भैया नियुक्ति तो उनकी राष्ट्रपति कर रहा है, सलाह ले रहा है CJI की, तो जो नियुक्ति करेगा वही त्यागपत्र भी लेगा। ऐसी देखिए तो त्यागपत्र कौन लेता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। बालक आज हम इसमें पूरा आपको सुप्रीम कोर्ट समझा देंगे, जो कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इतना भयानक पूछा जाता है जिसकी कोई तादाद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इतनी बातें तो समझ में आ गई, इतनी बातें हमने समझ लिया, पूरी चीज़ें हमने समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब हमको इनकी वेतन के बारे में चर्चा करें कि अब इनकी वेतन क्या क्या होती है, तो वेतन हम इनकी चर्चा यहीं पर कर दें। आर्टिकल देखिए है तो जगह, ध्यान से देखिए वेतन की चर्चा यहाँ पर हमारी बताई गई है कि वेतन की चर्चा, मैं अगर आर्टिकल की बात करूँ, वेतन आर्टिकल 125 में, आर्टिकल 125 में किनकी, जजों की वेतन की चर्चा की गई है, जजों की वेतन की चर्चा की गई है। अब देखिए वेतन की चर्चा तो कर दी गई है, लेकिन अब वेतन क्या क्या होता है, तो जजों को जो वेतन दी जाती है वो संचित निधि द्वारा दी जाती है। जजों को वेतन संचित निधि द्वारा दी जाती है, संचित निधि मैं बता रहा हूँ, संचित निधि द्वारा दी जाती है। इतनी बात समझ लेना, संचित निधि क्या होता है बालक, संचित निधि का मतलब ये होता है कि इनके वेतन में कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, इतना समझ लीजिए। संचित निधि का मतलब यही होता है कि इनके वेतन से कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, क्या की नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, यहाँ पर आप लिख लेना। अब देखिए ध्यान समझिए, अब हम दोनों की वेतन के बारे में चर्चा कर लें, तो जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की वेतन तनख्वाह क्या भैया, तनख्वाह कितनी होती है, 2 लाख
50,000, 2,50,000 होती है, कितनी होती है 2,50,000 होती है। और सी जे आई जो होगा मुख्य न्यायाधीश से सी जे आई की वेतन 2,80,000 होती है, 2,80,000 होती है, कितनी होती है 2,80,000 होती है। मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मुख्य न्यायाधीश की वेतन 30,000 ज़्यादा होती है कॉमन जजों से। देखिए ध्यान से, इनको पहले वेतन, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है, जब भी पूछता है धड़ल्ले से पूछता है कि जजों को वेतन किस प्रकार दी जाती है, क्या उनके जजों की वेतन कटौती की जाती है कोई, तो जजों की वेतन कैसे दी जाती है, तो इनकी वेतन कौन देता है, संचित निधि द्वारा दी जाती है, इनकी वेतन संचित निधि द्वारा दी जाती है। सबसे अलग है, याद रखेंगे, इनकी वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट की जज जो होगा, जो जज होंगे उसकी वेतन होगी 2,50,000। ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे, जो आपके 33 जज हैं उनकी वेतन कितनी होगी 2,50,000, लेकिन जो उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है उसकी वेतन होगी 2,80,000। कितनी होगी भैया 2,80,000 होती है, कितनी हो गई 2,80,000 होती है। इतनी बात आप लिख लेंगे, पहली बात इतनी बात आप लिख लेंगे, इतनी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलें आगे, अब अगर मैं आगे बात करूं कि यदि अगर किसी कारण की वजह से यहां तक तो समझ में आ गया, किसी कारण की वजह से मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश किसी कारण की वजह से कहीं चले गए हैं, तो भैया सीट तो खाली नहीं रह सकती, जो उनका जगह होगी बैठने की वो खाली नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए 10 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए हैं, टूर पर चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, है ना, मनोरंजन करने चले गए हैं, तो भैया क्या होता है कि सबकी ज़िंदगी अपनी है, सब लोग टूर पर जाएँ, सब लोग मनोरंजन करें, ठीक है, तो जो हो गया, तो अब देखिए, तो जैसे मुख्य न्यायाधीश यदि अगर किसी कारण की वजह से सीट अपने जगह से अपने पद से हट गए हैं, तो जो वहाँ पर नया न्यायाधीश बैठाए जाएंगे उस समय के लिए, किस समय के लिए, जिस समय तक वो न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हटे हुए हैं उसको हम कहते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश लिख लेंगे। मतलब कि कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश हटे हुए हैं तो उनकी जगह पर जो कार्य करने जाएगा न्यायाधीश उसको हम कहते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये होता है अस्थाई, ये होता है क्या भैया अस्थाई होता है, मतलब कि जब न्यायाधीश आ जाएंगे तो इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ध्यान रखना, क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों की दिमाग में घूम रहा होगा कि सर यहाँ पर पेमेंट क्या होगी, तो पेमेंट भी वही होगी, मान लीजिए कि इन्हीं 33 जजों में से जो होती है, मान लीजिए 33 जजों की पेमेंट कितनी है 2,50,000 है, 33 जज आपके हो गए जो 2,50,000 इनकी क्या है पेमेंट है अभी, लेकिन CJI की पेमेंट 2,80,000 है। अब यही 33 जजों में से किसी को उठा करके मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, जब तक न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब तक के लिए यही जज को उठा करके न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, तो ये एक अस्थायी होंगे। और जब ये एक अस्थायी होंगे और जब तक इस पद पर रहेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे जब तक, तब तक इनको पेमेंट किसकी दी जाएगी, मुख्य न्यायाधीश वाली पेमेंट दी जाएगी, और सारी सुविधा किसकी दी जाएगी, मुख्य न्यायाधीश वाली दी जाएगी। तो सीजेआई की सारी सुविधा और वेतन सीजेआई के बराबर दी जाएगी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, कह देगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को समझाइए, अब आधे का पता ही नहीं है तो कहाँ समझाएंगे वो,
ठीक है, तो क्या समझाएंगे? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, जब जज मुख्य न्यायाधीश हट जाएगा, जब मुख्य न्यायाधीश हट जाते हैं और जब नया कोई न्यायाधीश आता है, मतलब कि उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आता है, तो क्या कहलाता है उसको, क्या कहते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसको कहते हैं। और ये क्या होता है? अस्थाई होता है। जब मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। क्या होता है? CJI की सारी सुविधा, मुख्य न्यायाधीश की सारी सुविधा जब तक इस पद पर रहेंगे, जब तक इस पद पर रहेंगे तब तक इनको वेतन इतनी दी जाएगी, इनके बराबर दी जाएगी, तब तक इनको क्या किया जाएगा? सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट, इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं। अब देखिए, आज तक बेटा कभी किसी के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया आया नहीं है, महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया किसी के ऊपर लगी नहीं है फिलहाल तो भी, जिससे कि सबको हटाना पड़े। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि अगर यहाँ पर तो मुख्य न्यायाधीश तो आ गए, एक एक चीज़ में एक सीरियल वाइज से लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, सारी चीज़ें आपके दिमागों में धस जाएँ। अब देखिए, यहाँ पर कभी कभी दे देता है, मान लीजिए ये तो हटें, मुख्य न्यायाधीश हटा, तो इनका पद कौन संभाल लिया? इसमें से कोई जज उठा और यहाँ इसका पद संभाल लिया, मुख्य न्यायाधीश का काम शुरू है यहाँ पर, मुख्य न्यायाधीश का संभाल लिया। लेकिन अगर इन 33 जजों में अगर किसी का घूमने का मन हुआ तो क्या वो घूमने नहीं जाएंगे? बिल्कुल घूमने जाएंगे। तो इन 33 जजों में यदि अगर कोई एक दो जज छुट्टी पर हैं, क्या है, एक दो जज अगर छुट्टी पर हैं तो कोई बात नहीं। यदि अगर ज़्यादा जज, इनके ऊपर सरकार ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकती, कोई इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं करता, ऐसी चीज़ें होती है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं करता, कोई झल्लिया जाए, ठीक है, झल्लिया जाए, और जब ये छुट्टी पर रहते तो इनकी कोई ना कोई तनख्वाह, ना कोई वेतन, कुछ भी नहीं कटती, बालक क्या होती है, ना कोई कुछ भी नहीं कटती, बेहतरीन जगह पर है, ठीक है। आज तक 4,000 से 5,000 परिवार में ही केवल इतने ही जज स्थित हैं, मतलब कि भारत में बन ही रहे हैं, उसी में से घूम घूम के, किसी का बेटा है जज तो किसी का बाप है जज, ठीक है, ऐसे ही किसी की बिटिया है वो तो किसी का बेटवा है वो, ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये हुआ, तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज, 33 जज हैं अगर, तो उसमें से अगर कोई जज कहीं घूमने गया या छुट्टी पर है, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी पर है, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति, क्या करते हैं कि उनकी जगह पर न्यायाधीश की, जो जज होगा यहाँ पर जज होगा, उसके जगह पर जो नया जज लाया जाएगा उसको राष्ट्रपति कहाँ से लाते हैं? उसको लाते हैं हाई कोर्ट से। कहाँ से लाते हैं? हाई कोर्ट से लाते हैं। और किसकी सलाह पर लाते हैं भैया? तो जो आपके CJI होगा, CJI मान लीजिए ये तो है, अब मान लीजिए CJI जो होगा, CJI की सलाह पर लाते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह पर वो जज देगा, हाई कोर्ट वाला मुख्य न्यायाधीश देगा राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, यदि अगर इनमें से कोई जज की छुट्टी पर हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, 33 जज हैं और 33 जज में मान लीजिए, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए, 33 जज हैं और 33 जज में मान लीजिए कि कोई 10 जज क्या हो गए, 10 जज हो गए छुट्टी पर, 10 जज कहाँ चले गए? हॉलीडे पर चले गए। अब 10 जज की जो सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी, इनके कानून पर क्या करते हैं, इनका कानून कौन सुनेगा, इनका जो केस आएगा ये कौन सुनेगा? अब यहाँ पर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति CJI की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, किसी हाई कोर्ट से कोई स्टेट हाई कोर्ट है उससे क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम हमें इतने दिन के लिए जज दे दो, इतने जज दे दो। यदि अगर उसके जज खाली है, उसका जज हाई कोर्ट का खाली है, तब वो दे देगा, ठीक है, उसका मन के ऊपर डिपेंड है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके मन के ऊपर डिपेंड है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है अपने जजों को, ये भी ध्यान रखना, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो जब खाली होंगे तो राष्ट्रपति कहते हैं कि दे दो भाई, तो दे देगा। और जब वो दे देगा तो उसी को कहते हैं एडहॉक
एडहॉक जज, क्या कहते हैं एडहॉक जज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एडहॉक जज। एडहॉक जज हरदार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडहॉक जज क्या होते हैं, तो ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटने पर या छुट्टी लेने पर उनके स्थान पर जब कोई अस्थाई जजों की अस्थाई हाई कोर्ट के जजों को बैठाया जाता है उनके स्थान पर, तो उसी को कहते हैं एडहॉक जज। क्या कहते हैं एडहॉक जज, समझ में आ गया, एडहॉक जज कहते हैं। अब एडहॉक जज क्या होता है, ये भी एक अस्थाई सदस्य होता है भाई, अस्थाई होता है, अस्थाई जज होता है, अस्थाई जज होता है, क्या होता है अस्थाई जज होता है। बहुत बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए कि इनकी पेमेंट जो होगी क्या वो हाई कोर्ट ही वाली दी जाएगी, हाई कोर्ट की पेमेंट वाली दी जाएगी, तो नहीं बालक, वो सुप्रीम कोर्ट वाली जज की पेमेंट दी जाएगी। सारी सुविधाएं एड हॉक जज जो होगा सारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इनकी तनख्वाह कितनी होगी, 250,000 इनकी क्या होगी वेतन होगी, इनकी वेतन कितनी होगी 250,000। और ये क्या होते हैं अस्थाई, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहेंगे तब तक क्या होते हैं कि इनकी वेतन 250,000 होती है, और सारी सुविधाएं हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट को हटा करके सारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट वाली दे दी जाती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं क्या एड हॉक जज, क्या कहते हैं भैया एड हॉक जज। इसमें क्या कभी कभी पूछ लेता है कि आर्टिकल कौन सा पूछता है, तो आर्टिकल ध्यान रखना इसमें आर्टिकल 127 एडहॉक जज की चर्चा करता है, क्या करता है एडहॉक जज की चर्चा करता है, एडहॉक जज की चर्चा करता है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई, एडहॉक की चर्चा कौन करता है आर्टिकल 127, इतनी बात आप लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर एक बात और है, यदि अगर मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट का जज खाली ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की जज की सीट खाली हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में जज आधे से कम हो गए हैं, 33 हैं तो मान लीजिए वहां पर 20 जज बचे हुए हैं, ठीक है सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई सीट खाली हो गई, तो क्या किया जाता है, मान लीजिए कि कोई हाई कोर्ट का जज दे ही नहीं रहा है, बेटा संविधान निर्माताओं ने इतना बेहतर ढंग से इसको लिखा है संविधान को कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पढ़ो तब समझ में आता है कि क्या चीज़ है संविधान। मज़ा आती है बालक, मज़ा मतलब कि इसमें एक में एक चीज़ घुसा हुआ है, ये ध्यान रखना एक में एक चीज़ घुसा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब मान लीजिए कि एडहॉक जज कोई दे नहीं रहा है और यहाँ पर हाई कोर्ट वाला कह रहा है कि हम जज देंगे ही नहीं, किसी भी स्टेट से उठा सकता है राष्ट्रपति, किसी भी स्टेट से जज को उठा सकते हैं, मतलब स्टेट का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी स्टेट हाई कोर्ट से किसी भी उसमें से उठा सकते हैं। मान लीजिए कि इलाहाबाद में इस समय 95 जज मौजूद हैं, ठीक है 95 जज मौजूद हैं, और वो क्या करें कि इलाहाबाद में 95 मौजूद हैं और वो अगर सुप्रीम कोर्ट में कमी पड़ गई और वो ले जाना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर दीजिए कि हमको दे दीजिए, तो क्या करेंगे कि 5-6 जज आप दे सकता है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद, दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को जज को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मैं दूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि नहीं देगा वो, जब नहीं देगा तो यहां पर कैसे क्या हो जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का जगह खाली ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की जगह खाली ही रहेगी जज वाली, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या करता है कि आर्टिकल 128 में बताया गया है बालक, आर्टिकल 128 में
आर्टिकल 128 में, आर्टिकल 128 में बता दिया गया है कि जो सेवानिवृत्त जज होंगे, मतलब रिटायर्ड जो जज होंगे, उनको उठा के बैठा दिया जाए। सीधी सी बात, जो सेवानिवृत्त होंगे जज, उनको मतलब जो सेवा से हट चुके होते हैं, उन्हीं को सेवानिवृत्त जज कहते हैं। तो जो रिटायर्ड, उनको कह लीजिए आज के युग में हम कहते हैं भैया रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो 65 साल के बाद वो रिटायर्ड हो चुका है, तो क्या करें कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट जज नहीं दे रहा है तो आर्टिकल 128 ये कहता है कि हम तुमको उठा करके बैठा रहे हैं। तो वही होता है, क्या होता है कि सेवानिवृत्त जज को बैठा दिया जाएगा यदि अगर हाई कोर्ट जज नहीं दे रहा है, मतलब एडॉक जज, एडॉक एडहॉक जज की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप सेवा निवृत्त जज को ले लिया जाता है। समझ में आ गया, सेवा निवृत्त जज को ले लिया जाता है, आर्टिकल 128 बताता है। इतनी बात समझ में आ गई। सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में लिखेंगे, कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यदि अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ अपने से कि सेवानिवृत्त जज जो होगा, सेवानिवृत्त जज जो होगा ये कब आते हैं, कब इनको लाया जाता है और किस आर्टिकल के तहत इनको लाया जाता है, पूछ लेगा ऐसे कि सेवानिवृत्त जजों को किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि सेवानिवृत्त जज कब आएंगे, तो आर्टिकल 128 में आएगा। और सेवानिवृत्त जज क्या होते हैं कि यदि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ गई है और एडहॉक जज नहीं आ रहे हैं, एडहॉक जज नहीं आ रहे हैं, तो सेवानिवृत्त जजों को बैठा दिया जाएगा उस स्थान पर। इतनी बात समझ में आ गई, उस स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। और ये भी क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, कोई स्थाई नहीं होते हैं। जब वो जज आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो न्यायाधीश हैं वो आ जाएंगे, तो क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि हट जाते हैं और ये एक क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक इतना लंबा था, इतना बेहतरीन था, काफ़ी लंबा है, चूँकि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, लिख लीजिएगा एक एक चीज़, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा और फिर से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अनगिनत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं। अनगिनत का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 हर एक एग्ज़ामों में, वन डे हो या UPPCS, आप किसी भी SI वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उसमें ये सब तो पूछता ही पूछता है, 101% पूछता ही पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। लिख लेना, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ज़रूर, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट से देता है, 1, 2, 3, 4 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट आज हम बात कर लिए हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे CJI तो हो गया है, CAG, ठीक है, CAG की बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, तब तक के लिए बना रहना बच्चों, सपोर्ट दे दीजिएगा शानदार से, बेहतर ढंग से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।